next contestant. हेलो सर, नमस्ते. हेलो हेलो प्रिंस सर. हाय मैम. हाय गौतम सर. कैसे हो आप? अमेजिंग. कुछ बताओ अपने बारे में. पेरी, मैं डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ और रोडीज में इसलिए आई हूँ, अपने आप को दिखाने आई हूँ. एक जुनूनी हूँ, एक जुनून है, पागलपन है और अपने आप को प्रेजेंट करना है. तो आपने कहा आप अच्छी डांसर है, तो क्या हम इनके डांस से शुरुआत करें? यस, लेते हैं. यार शो म्यूजिक. तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई, दूध पे जैसे आई हो मलाई, चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई, तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई. मैं इंटरनेशनल पर गाने मेरा लोको, तू है सेक्सी बाकी है सोसो, मैं तेरा काका तू मेरी कोको. ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सॉरी कनिष, आपको हम देख नहीं सके. यस, आपको मतलब देख नहीं पाए हम. सॉरी, हम बिल्कुल नहीं देख पाए. चाके भी मैं नजरें उन पे थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग डांस किया है. कोई बात नहीं, मैं नजरें गड़वा लूंगा अपने में. अब प्लीज एक एक करके अपने बारे में बताना. मेरा नाम कनिष आनंद है, वैसे मेरा नाम कंची है, मेरा निकनेम है वो. और मैं कॉलेज के अपने थर्ड ईयर में हूँ और मैं 20 साल का, मैं दिल्ली से हूँ. कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ लेकिन 4 बार ही कॉलेज गया हूँ आज तक, क्योंकि पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं लगा. और उसके अलावा मेरे को सिर्फ आती है, इतने सारे बॉडी बिल्डर्स भी आपके पास तो थोड़ी बहुत भी तो जरूरी है. तो मैं सर रोडीज पे बहुत जरूरी आना चाहता हूँ. मेरे को बहुत लोगों को रॉन्ग प्रूफ करना है जिन्होंने मेरे ऐसे कीचड़ उछाले ना. वेला कुछ नहीं कर सकता सर, मेरे को बहुत लोगों के मुंह बंद कराने हैं यहाँ के. ऐसा क्या करेगा तू कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे? सर वही तो पर्सनैलिटी दिखेगी वहाँ पे. अभी तू क्या करता है? मैं क्रिएटर हूँ और स्टूडेंट हूँ. क्रिएटर है तो अपना कॉन्टेंट खुद बनाता है ना. अगर तू अपने खुद के कॉन्टेंट से पाया ना तो शो में आके भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तेरे जैसे ना 30 लोग होंगे. क्या करेगा फिर? तो कोई क्यों कहेंगे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं पागल हूँ. आपकी जो टोन है ना थोड़ी सी, लेट मी टेल यू वन थिंग, और वो टोन हम आपकी लेने के लिए यहाँ बैठे नहीं है. यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई एम सो सॉरी सर. येस, बी नाइस, बी काइंड, बिकॉज वी आर बींग काइंड टू यू. कनिष, ये तेरा फॉर्म पढ़ाया, तेरा फॉर्म ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मेरी तरफ से अभी ना है. मेरी तरफ से भी ना है. 30 सेकंड है तेरे पास ये दिखाने के लिए, अगर तू चाहता है कि हम अपना फैसला बदलें तो ऐसा क्या कर सकता है? अदरवाइज मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तेरे फॉर्म में कुछ नहीं है. सर कंटेंट क्रिएटर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंटेंट बनाया तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रूफ कर पाएंगे. सर चीजें बहुत हैं, हो सकता है कि हाँ, तो वो 30 सेकंड है तेरे पास. टाइम है ना, जो कंटेंट क्रिएटर है वो सबसे बड़ा इंसान है. वो अपने कंटेंट से ना सब कुछ बता सकता है लोगों को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोचता है. तेरा कंफर्ट जोन है एंटरटेनमेंट, राइट? है ना, कंटेंट बनाता है ना. चल कुछ मैजिक क्रिएट कर दे कि ये बटन वापस हो जाए. स्पॉन्टेनियसली कुछ भी जो आपके मन में आए. आपकी शक्ल देख देख के मेरी आ रही है, मैं क्या कहूँ आपको. आपके तो पनी भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, कहीं रेड का भी और रेड हो जाए. और प्रिंस सर आपके लिए तो सच में कुछ पनी नहीं है, बस आप रिंग्स पहननी छोड़ दो सर. बहुत ज़्यादा ये रिंग्स ही बहुत पनी है. और रिया मैम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, न्यूट्रल कलर्स पहनो, ये बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं मोर की तरह.